नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम देखते हैं कि जो DC मोटर होती है उसको कैसे हम क्लीन करते हैं और साफ करते हैं। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं दोस्तों। ये है 1 किलोवाट की DC मोटर है जो फोरक्लिफ्ट में यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिक वाली में काफ़ी हैवी होती है, टॉर्क इसका काफ़ी हैवी होता है। ये देखिए, इसको ये काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी इसमें धूल जमी हुई है। और देखो इसके स्टेटर को, देखो कितनी बुरी हालत हो रही है, सारे साफ करने पड़ेंगे MD पेपर से। तो इसकी सारी देखो लिंक हमने खोली हुई हैं, ये सारे इनमें कार्बन ब्रश हैं जो कि ये कार्बन ब्रश क्या है कि सप्लाई इनको कार्बन ब्रश के थ्रू हमारे रोटर को दी जाती है। ये सिंक्रोनस मोटर है, इसलिए इसमें स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई दी जाती है, जिससे कि अच्छी स्पीड से ये चल सके, मूव कर सके हमारी मोटर, जो भी साफ़ है। इसको हम साफ़ कर देते हैं MD पेपर का यूज़ करके। अगर इसको हम साफ नहीं करेंगे तो जिस पर जो कार्बन जमा हुआ है उसके वजह से इसको करंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा मोटर को, रोटर को, और ये ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो आप देख सकते हैं MD पेपर का यूज करते हैं हम। ये देख सकते हैं साफ हो गई है काफ़ी हद तक, कितना काला काला हो रहा है ये। अगर ये रहेगा तो सही प्रॉपर तरीके से करंट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको साफ करना ज़रूरी है। ये देखो कार्बन ब्रश है जो कितना घिस चुका है, आप देख सकते हैं। ये नया वाला है लेफ्ट साइड में, देखो नए वाले के आधा भी नहीं रह गया ये कार्बन ब्रश। तो ये ठीक तरह से सप्लाई नहीं पहुंच रही है इसे रोटर को। अभी हमने नया कार्बन ब्रश इसमें लगा दिए हैं, इसको हमने ये देखो ये लग देख सकते हैं। अभी हम निकाल के दिखाते हैं, ये देखो हमने अभी इसको टाइट कर दिया है इसमें और ये टॉक में फिक्स कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें 8 कार्बन ब्रश लगाए हुए हैं।